कि क्या क्रिकेट खेलने के लिए पढ़ाई छोड़नी जरूरी है। मैंने देखा कि बहुत से लड़के मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो जिनकी उम्र है अभी 15 साल, 16 साल, 14 साल, और वो सर कि हमने क्रिकेट के ऊपर पूरा फोकस करना है, इसी चक्कर में पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। दोस्तों, पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, आप इस बात को समझो। फील हो रहा है तो इसलिए उसको छोड़ना चाहता है। देखो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप जिंदगी में क्रिकेट के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, आप अपना फुल फोकस गेम के ऊपर रखो। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि पढ़ाई के लिए आपको कितना टाइम देना है। आप दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप स्टडी के लिए दे सकते हो। तो स्टडी आपकी बहुत जरूरी है बेटा। स्टडी आपको एक एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है। मान लो अगर आप गेम के अंदर बहुत आगे नहीं बढ़ते किसी भी कारणवश, मान लो इंजरी का, या मान के चलो कि अगर किसी बच्चे को इंजरी आ जाती है किसी भी, देखो इंजरी एक कॉमन सी चीज है, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी रहती है, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन रहता है। और दूसरी, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ हर उसके अंदर, नहीं, लेकिन आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपका, आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज की, वो जरूरी है। आप स्टडी, जो बच्चे एग्जाम्पल देते हैं कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने 10वीं पढ़ी है, उसमें दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र के अंदर रणजी टीम में चला गया था उससे पहले, तो उस टाइम वो उस लेवल पे पहुंच चुका था कि अब उसको ज्यादा स्टडी, मतलब उसका कैरियर भी सेट हो चुका है। सेम चीज विराट कोहली के साथ भी थी और बहुत से खिलाड़ियों के साथ है ये, कि मैं आपको कहता हूं कि अगर आप रणजी में या आप आईपीएल में या इंडिया में पहुंच चुके हैं और उसके बाद आपका नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप अभी क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हो, आप उस लेवल पे नहीं हो, तो तब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने के चक्कर में या फोकस के नाम पे या उसके चक्कर में कभी अपने आप को स्टडी से दूर मत कीजिए। ये चीज आपको आगे जाके दिक्कत पैदा, बच्चों के साथ देखा है कि बच्चे होते हैं उस उम्र में, उन बच्चों को मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसी गलती कभी बच्चों को ना करने दें, क्योंकि बच्चे उस उम्र में बच्चे होते हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती। और आप, वो ठीक है, आप गेम में उनको फुल फोकस है, बच्चे तैयारी करना चाहते हैं करवाइए, लेकिन स्टडी तो एक बेसिक नीड है, स्टडी को साथ में चलने दीजिए, स्टडी कभी बच्चे को पूरी तरह मत छुड़वाइए।